रविवार सुबह लोहाघाट के पाटन पुल के पास एक लड़के सूरज ने जब बंदरों के झुंड को एक दुर्लभ प्रजाति के उल्लू के बच्चे पर हमला करते देखा तो सूरज ने बंदरों के झुंड को भगाकर उल्लू के बच्चे को हमले से बचाया। घायल उल्लू के बच्चे को घर ले आया और अपने पिता को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद उसके पिता जो कि पूर्व सैनिक ललित सिंह हैं उनके द्वारा लोगों को जानकारी दी गई, जिसके बाद पूर्व सैनिक ललित सिंह और दूसरे लोगों के द्वारा उल्लू को एनिमल हॉस्पिटल लोहाघाट ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उल्लू का इलाज किया। साथ ही डॉक्टर चंद ने बताया कि उल्लू के बच्चे के पंख में चोट आई है, एक हफ्ते के भीतर वह चोट ठीक हो जाएगी। साथ ही डॉक्टर चंद ने कहा कि उल्लू काफी दुर्लभ प्रजाति का है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, हल्का सा एक विंग में इसके जो पंख में थोड़ा सा घाव है, लेकिन एक हफ्ते तक लगभग इसको अपने उसमें रखना पड़ेगा, इनको थोड़ा अपने उसमें निगरानी में, अपनी निगरानी में। उसके बाद ठीक है, एक तो बच्चा है अच्छी तरह उड़ नहीं पा रहा है ये, और हल्का सा थोड़ा सा चोट है एक पंख में थोड़ा सा इसका, एक हफ्ते में ठीक आ जाएगा ये। इसका जो भी उपचार देना था हम दे चुके हैं इसको, ठीक। जिसके बाद लोगों के द्वारा लोहाघाट के रेंजर दीप को बुलाकर इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग कर्मी उल्लू को अपने साथ ले गए। साथ ही उन्होंने बताया कि उल्लू का इलाज करवाकर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पूर्व सैनिक ललित सिंह ने कहा कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। लोहाघाट पाटनपुर में रहता हूँ, वहाँ पर मेरे मकान के ऊपर में एक जंगल देवरानी पड़ती है, वहाँ पर मेरा लड़का डॉगी को लेकर गया था, तो तब तक बंदर इसके ऊपर हावी हुए थे, मार रहे थे। बच्चा है तो मेरे लड़के ने देख लिया, तो उसने उठा करके घर में लाया, देखा तो इसका पंख का डैमेज हुआ था। फिर मैंने रात को अपने घर में रखा था, और कुछ खाना आना तो कुछ खा रहा नहीं रहा, इसका अंदाज नहीं आ रहा है। लेकिन अभी फिर मैं इसके बाद मैंने मोहन पाटनी जी से और सुभाष जी से भूतपूर्व प्रधान पाटन पाटनी इन लोगों से कहा, तो इन लोगों ने बोला चलो ठीक है हॉस्पिटल में ले जाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उपचार किया है, इसका भी देखो क्या कंडीशन होती है इसकी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।